देखो आज की डेट में हमारे पास में बहुत सारे मैकबुक्स हैं सा है तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। fact, ये सबसे सही है अगर आपको एक नया मैक लेना है बिकॉज अभी आपके आया है काफी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द टीचर्स जहां पे काफी स्पेशल प्राइस है और साथ में फ्रीवीज भी है बहुत सारी काफी मजा आने वाला है इस चलिए कर दीजिए हम देखते हैं मैकबुक्स की इनफैक्ट आईपैड्स की भी दुनिया कैसी है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी चलिए शुरू करते हैं देखो शुरुआत से शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम इसके साथ आई मीन दिस इज यू नो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स जिस तरीके से ये है ना मैकबुक सबसे छोटा सा क्यूट सा तेरह इंचज वाला ये जो मैकबुक एयर है हमारे पास में विद एपल एम वन चिप मतलब भाई दिस लैपटॉप इज रियली समथिंग, यू नो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ यू नो दिस स्लीक फॉर्म फैक्टर इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ इट डिलीवर्स मतलब इसमें कोई आपको टेंशन नहीं है अगर हम स्कूल की बात करें तो यू नो स्टार्टिंग लेवल पे ये आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला है गिवन द काइंड ऑफ यू नो एकदम बिल्ड देखो यार मतलब ये द मोस्ट अफोर्डेबल मैकबुक इन द मार्केट राइट नाउ नो फ्रॉम एप्पल बट स्टिल इट्स बिल्ट लाइक अ टैंक आपको इतनी अच्छी एक प्रीमियम फिनिश मिलने वाली है परफॉर्मेंस में तो कोई डाउट ही नहीं है मतलब अगर आप देख भी रहे हो इंस्टेंट ऑन मतलब मोमेंट आई एम ओपनिंग द लिड कितना आपको मजा मिल रहा है यहां पे तो ये मैकबुक इनफैक्ट इन आर स्टूडियो ऑलमोस्ट एवरी वन यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल और ये मैकबुक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एज अ बिगिनर देर इज नो डाउट यू कैन गो विद दिस वन मूविंग हेड इन द लाइनअप वी हैव दिस मैकबुक एयर ये तेरह पॉइंट छ इंच में आती है एंड दिस फॉलोज डिजाइन लैंग्वेज ऑफ एप्पल जहां पे थोड़ा आपको बट इन साइडो पार्क द न्यूअर एपल एम टू चिप और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो गिवन आपको ऐसा जो पूरा स्क्रीन मिल रहा है बीच में एक छोटा सा ये नॉच मिलता है यहाँ पे थोड़ा सा जो डिजाइन है वो अलग टाइप का एप्पल ने यूज किया है अगेन क्वली पावरफुल एम टू चिप है, of, you know, no you, करना है really अगर आपको यह नया डिजाइन चाहिए मैग you सेफ know, uh, यहां पर आपको थोड़ा सा जो है बॉक्स डिजाइन मिल रहा है एम टू चिप भी है नई यू नो चिप है तो यह मैकबुक भी आपके लिए अच्छी होगी एज स्टूडेंट अगर हम और आगे जाए वॉन्ट अ मैकबुक एयर बट आपको साइज बड़ा चाहिए तो दिस इज दू नो मैकबुक एयर फिफ्टी एंड दिस इज दिन खुद करेंटली यूज कर रहा हूँ यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आती है अगेनो विद्पल्स एम टू चिप सिमिलर डिजाइन है इस तेरह इंच वाले मैकबुक की तरह बट साइज अभी स्क्रीन का बढ़ के हो गया है पंद्रह इंच आपको अगेन बहुत एक अच्छा इमरसिव स्क्रीन मिल रहा है यू नो विपर स्लीक फॉर्म फैक्टर दिस इज सुपर लाइट वेट और

This is the MacBook Pro 13 inches with Apple's M2 chip. And guys, this is by far the last laptop in Apple's lineup right now, jahan pe aapko पे आपको मिल रहा है एक टच अगर आप देखोगे तो यहां पे वी हैव दिस कैन ऑफ यू नो टच बार फॉर ऑल योर क्विक कंट्रोल डिजाइन इसका कुछ ऐसा मिलता है तेरह इंच के साइज में आता है अब द बिगेस्ट डिफरेंस इफ आई टेल यू बिकॉज दिस इज अ प्रो लैपटॉप इज अगर आप ये देख रहे हो जो मैकबुक एयर है फॉर एक्टिव कूलिंग अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म यूज करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो दिस मैकबुक एयर विल गिव यू गुड परफॉर्मेंस बट अगर आपको थोड़ा सा हेवी लोड के ऊपर काम करना है देन यू नीड द प्रो बिकॉज यहां पर you know, आपके पास में फैंस uh, लगे हैं तो परफॉर्मेंस सस्टेन्ड परमेंस आपको और अच्छी मिल जाती है तो दिस इज द मैकबुक प्रो एम चिप के साथ में दिस इज अ बीस्ट दिस इज द मोस्ट पावरफुल एप्पल मैकबुक राइट नाउ ये गाइज हमारे पास में है 16 इंच वाला मैकबुक प्रो एक 14 इंच वाला वेरिएंट भी आता है क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन यू नो यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास में थंडरबोल्ट के साथ में यू नो एक मैगसेफ का ऑप्शन भी है इस तरफ अगर आप देखोगे तो वी हैव एन एच पोर्ट यहाँ पे हमारे पास में साथ में यू नो एक एस कार्ड स्लॉट भी है दिस लैपटॉप इज आई मीन यू नो विम टू प्रो एंड एम टू मैक्स चिप्स मतलब क्रेजी पावरफुल हो जाता है और ये है स्पेशली टारगेटेड टुवर्ड्स प्रोज जिनको ऑन द गो परफॉर्मेंस चाहिए जिनको ऑन द गो मतलब यू नो इतनी पावर चाहिए कि वो स्टूडियो वाला फील ले पाए यू नो एट द साइट अदरवाइज स्टूडियोज में तो आपके पास में हाई एंड हो सकता है ना डेस्कटॉप सिस्टम्स होंगे बट दिस इज एवरीथिंग पैक्ड इन अ फॉर्म फैक्टर ऑफ अ लैपटॉप तो ये उनके लिए अब आप खुद सोचो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको ये तो नहीं चाहिए अगर आप एक बेसिक लेवल पे काम कर रहे हो तो आपका काम तो मैकबुक एयर से फर्स्ट क्लास चलेगा या हो सकता है आपको एक छोटे वाला प्रो ही जो है वो नो क्वाइट सफिशियंट हो यहाँ पे अगर आप हाई एंड यू नो थ्री डी पे काम करते हो अगर आपको हाई एंड ग्राफिक्स का काम करना है अगर आपको वीडियोज को एडिट करना है यू नो बिगर स्केल तो उस टाइम पे आपको ये लैपटॉप चाहिए जहाँ पे वी हैव एन अमेजिंग सुपर एक्सडीआर स्क्रीन काफी मिनिमल बेजल्स हैं स्क्रीन गेट्स एज ब्राइट एज 1600 हंड्रेड नेट्स तो मतलब वो सारी परफॉर्मेंस के साथ ग्रेट बैटरी ग्रेट परफॉर्मेंस इज पैक्ड इन दिस मैकबुक प्रो 16 इंचेस नाउ आई एम गोना टेल यू द स्वीट पार्ट तो देखो हमने पूरा मैक लाइनअप कवर कर लिया जस्ट दैट कि इसका जो छोटे वाला वेरिएंट है फोर्टीन नो you know, वो नहीं है अदरवाइज हमारे पास पे सारे मैकबुक्स हैं प्राइसिंग इज इनसेन द ऑफर्स आर इन्सेन ये अभी चलने वाले हैं काफी लंबे टाइम तक बिकॉज दिस इज नो फॉर ऑल द स्टूडेंट गोइंग बैक टू देअर स्कूल गोइंग बैक टू कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अभी स्टार्टिंग प्राइस ऑफ ऑल दीज लैपटॉप बिकॉज एप्पल की एजुकेशनल प्राइसिंग पे अगर आप इनको लेंगे ना विद वैलिड कॉलेज आई डी अगर आप एक टीचर है या स्टूडेंट है तो आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं काफी अच्छे आई मस्ट टेल यू ये जो है मैकबुक एयर विद एम वन चिप इसकी प्राइस है एजुकेशनल प्राइसिंग जो है वो है एटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज ये जो है मैकबुक एयर तेरह इंच एम टू चिप वाला इसकी प्राइस है एक लाख चार हजार नौ सौ रुपए ये जो आता है मैकबुक प्रो विद एम टू चिप थर्टीन इंचज वाला इसकी प्राइस है एक लाख उन्नीस हजार नौ सौ रुपये अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल द एजुकेशनलिंग दिस द न्यू मैकबुक एयर फिफ्टीन इंच विल कॉस्ट यू वन लाख ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज द फोर्टीन इंचज मैकबुक प्रो विदिप्स वुड स्टार्ट एट वन लैख एटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज एंड देन दिस बेस्ट फॉर सिक्सटीन इंचेज स्टार्ट एट टू लैक नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज एंड गाइज मजे की बात आप इनमें से कोई भी अगर मैक लेते हैं ना आपको साथ में फ्री एपल एयरपोड थर्ड जनरेशन मिलने वाले हैं मतलब that's an amazing deal. और बात कि आपको यह ऑफर मैक मिनी अगर आप लेते हैं उसकी भी starting price है 49, रुपीज। उसके साथ में भी आपको AirPods मिलने वाले हैं हैं और अगर अगर आप एक iMac लेते हैं, बनो, अगर आपको एक आई मैक वाला फॉर्म फैक्टर चाहिए उसके ऊपर भी आपको एजुकेशन मिल जाएगी काफी अच्छी और आपको साथ दिस इज नॉट जस्ट फॉर द मैकबुक्स इवन फॉर एप्पल आईपैड अगर मैं आपसे करता हूं आईपैड एयर फिफ्थ जनरेशन या फिर आईपैड प्रो

वहां पे जाके भी ले सकते हैं बट आपको ये एयरपोर्ट्स वाला जो ऑफर है ये स्पेसिफिकली एप्पल के यू नो ऑफिशियल वेबसाइट या एप्पल के जो खुद के स्टोर हैं बीके सी या साकेत वहीं पर मिलने वाला है अदरवाइज आपको एजुकेशनल प्राइसिंग और यू नो बाकी अगर कुछ अफोर्डेबिलिटी ऑफर्स है कार्ड वगैरह के तो वो आपको मिल जाएंगे एप्पल के बाकी यू नो जो रिसेलर्स हैं उनके ऊपर भी लेकिन यार मैं बोलूंगा देखो अगर आपको एकदम से हाई एंड काम करना है तो ये वाला मैकबुक मैं तो फिलहाल ये यूज कर रहा हूँ पहले मैं ये वाला यूज कर रहा था अगर आपको थोड़ा सा नो बजट में रहते हुए थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए थोड़ी हेवी टास्क के लिए तो दिस द मैकबुक प्रो थर्टीन इंचेस फंटास्टिक बैटरी और यू you know, नो पे फैंस लगे हैं तो आप लंबे समय तक काफी अपने टास्क जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे अगर आपको बहुत ही ऐसी पोर्टेबिलिटी वाला पूरा मजा चाहिए मॉडर्न डिजाइन kind of और साथ में आपको अगर चाहिए थोड़ा सा मतलब यू नो एम टू चिप का पूरा फ्लेवर तो दिस द मैकबुक एयर थर्टीन इंचज विप और अगर आपको एक एप्पल की दुनिया में एंट्री लेनी है तो उसके लिए तो भाई दिस आई मीन द वेज शेप्ड डिजाइन ग्रेट परफॉर्मेंस एट दिस प्राइस आप सोचो ये अभी नब्बे हजार का है और साथ में आपको एयरपोर्ड थ्री अगर मिल रहे हैं तो कितना अच्छा है कि डील बन जाती है आईपैड भी अगेन यू नो वी हैव मल्टीपल ऑफर्स गोइंग ऑन तो यार को लगता है कि वाली वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कौन सा लैपटॉप किसके लिए जरूरी नहीं है कि सबके लिए यही है या जरूरी नहीं है कि सबके लिए सबसे यू नो एक्सपेंसिव वाला है यार इट ऑल डिपेंड्स ऑन य रिक्वायरमेंट्स एज अ स्टूडेंट आई मीन आई वुड से यू कॉन्ट गो रोंग विद एनी ऑफ दीज मशीन्स आपके यूजेज के हिसाब से आप पिक कर सकते हैं आई टेल यू पर्सनल थिंग अबाउट मैक्सर बिकॉज दे लास्ट अ लॉन्ग टाइम आपने आज एक लैपटॉप लिया वो आपका चार साल पाँच साल छः छः साल मतलब मैंने लोगों को आठ आठ साल मैकबुक्स को यूज करते हुए देखा है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए बनाए जाते हैं दे लास्ट यू नो फॉर एवर आई वु से तो ये वो लैपटॉप्स हैं आई थिंक आपको देख के समझ में आ गया होगा एंड आई थिंक विद द एप्पल स्टोर ऑफिशियली यू नो इन इंडिया राइट नाउ जो हमको ये बैक टू स्कूल बैक टू कॉलेज वाले ऑफर्स मिल रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे आप बताओ कि आपका फेवरेट दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना आपका फेवरेट लैपटॉप कौन सा इन सब में से नीचे कॉमेंट करते हुए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम